राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का असर दिखा। जी हाँ, वीकेंड कर्फ्यू का असर ज्यादा और मजबूत तब हो गया क्योंकि शुक्रवार से राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और शनिवार को भी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं लिया और इसी वजह से सड़कों पर जो लोग हैं वो कम निकले। हालांकि एक तरफ क्योंकि कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं उसको भी लोग देख रहे हैं और पूरी तरीके से सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई उसका पालन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की। जी हाँ, ये बसंत कुंज इलाके की तस्वीर जहाँ आप देख रहे हैं नेशनल मंडेला मार्ग की, जहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा एम्बियंस मॉल, जो कि मॉल में वीकेंड के दिन अनुमन लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि मॉल के बाहर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। लगातार जिस तरीके से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में आपको बता दें कि 10 बजे से रात 5 बजे तक का सुबह तक का ये कर्फ्यू लगता था, लेकिन वीकेंड पर ये कर्फ्यू लगाया गया है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कि राजधानी दिल्ली में जो कोरोना के बढ़ते मामले हैं उसको रोका जा सके। उसके बाद अब तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं सरोजनी नगर मार्केट की। जी हाँ, सरोजनी नगर मार्केट में भी लोगों की भीड़ अनुमान देखी जाती थी, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का लोग जो हैं जहाँ रहते हैं वही नज़र आ रहे हैं और सिक्योरिटी गार्ड है वो नज़र आ रहे हैं और पूरी तरीके से देखिए दुकानें जो हैं वो बंद है। सरोजनी नगर मार्केट का ये हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। तो पूरी तरीके से वीकेंड कर्फ्यू जो है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि दिल्ली वाले भी इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। अब देखना होगा कि ये कर्फ्यू जो है, क्योंकि सोमवार सुबह 5 बजे तक का ये कर्फ्यू है, उसमें क्या कोरोना के मामलों में कितनी गिरावट दर्ज करी जाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। आरसो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहे और देश दुनिया की तमाम खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर हमें फॉलो करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आरसोनी न्यूज के लिए देख रहे हैं आप कैमरा पर्सन रविंद्र कुमार के साथ दौलत शर्मा की एक खास रिपोर्ट आरसोनी न्यूज पर।